हम सब ने बचपन में जुरासिक पार्क ज़रूर देखी थी और उस वक्त ऐसा लगता था कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया गया है एंड सालों बाद उसी फ्रेंचाइजी को आगे किया गया है जुरासिक वर्ल्ड सीरीज़ के साथ। और अब इस सीरीज़ जो एक ट्रायलॉजी थी उसकी थर्ड मूवी आ चुकी है। सो क्या हाल है सबके, और आज हम करेंगे एक क्विक रिव्यू जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के ऊपर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर इन शॉर्ट एंड क्विक बताऊं तो ये मूवी जुरासिक वर्ल्ड सीरीज की सबसे एवरेज मूवी है। ये मूवी एक्चुअल में कंटिन्यूएशन है जुरासिक वर्ल्ड द फॉलन किंगडम का, जहां लास्ट में हमें दिखाते हैं कि सारे डायनासोर्स अब आज़ाद हो चुके हैं एंड पूरे दुनिया में कैसे फैल गए हैं। बस उसी के बाद से कहानी आगे बढ़ती है एंड कैसे इंसान डायनासोर्स के साथ रहने में हैबिचुअल हो रहे हैं वो भी दिखाया जाता है। और अगर पर्सनली मैं बताऊं तो अगर इस मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता, जैसे पूरे डायनासोर्स ने अर्थ को टेक ओवर कर लिया है एंड आधे से ज़्यादा इंसान ख़त्म हो चुके हैं एंड वहाँ से कैसे इंसान बाउंस बैक करते, तब ये मूवी एक अलग लेवल पर ही चली जाती। बट ये करने के जगह मूवी का प्लॉट और भी ज़्यादा वीक पड़ जाता है। फिल्म अपनी पुरानी उसी टोन को फॉलो करती है जैसे पुराने जुरासिक वर्ल्ड में दिखाया था एंड ये मूवी डायनासोर्स के बारे में है। बट इस मूवी में असली प्रॉब्लम खुद डायनासोर्स ही नहीं है, उनको बस एज अ रिजेम्बलेंस के लिए यूज़ किया गया है टू शोकेस देयर टेरर। बट ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं इस मूवी में। सबसे पहली पॉजिटिव चीज़ है इस मूवी के एक्शन सीन्स। फर्स्ट हाफ ख़त्म होने पर आप अपने आप अंदाज़ा लगा लोगे कि मूवी का क्लाइमैक्स एंड अदर हाफ क्या होगा। बट जो सारे एक्शन सीन्स में सबसे बेस्ट था वो था बाइक चेस सीक्वेंस, जो ट्रेलर में भी दिखाया गया था। वो देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हम ये कोई डायनासोर्स की मूवी नहीं जबकि जेम्स बॉन्ड की मूवी देख रहे हैं। मतलब वो एक फ्रेम टू फ्रेम मूवी के सीन्स पूरी तरह मिशन इम्पॉसिबल और जेम्स बॉन्ड की मूवी से दिखाए गए थे, जैसे कोई स्पाई थ्रिलर मूवी चल रही हो। फिर मूवी का नेक्स्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस मूवी का नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर। पुरानी मूवी के कास्ट को इस मूवी में लाना एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग देता है एंड अगर आपने पुरानी जुरासिक पार्क मूवीज़ देखी है और उसके फैन रहे हो तो आपके चेहरे पे एक स्माइल तो ज़रूर रहेगी। एंड मुझे एक शिकायत मूवी से ये रही कि इसने अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक को पूरी तरह बिल्कुल यूज़ नहीं किया। जो बैकग्राउंड म्यूज़िक हमने जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड में सुना था जॉन विलियम्स का दिया हुआ, उस BGM को एक बार भी इस मूवी में यूज़ नहीं किया जाता, नॉट इवन क्रेडिट सीन्स। तो वहाँ पर थोड़ी सी होती है डिसअपॉइंटमेंट, बट बाकी के म्यूज़िक इस मूवी में बहुत ही अच्छे यूज़ किए गए हैं। जब जब डायनासोर्स का दिखाया जाता है एक टेरर वाली फीलिंग ज़रूर आती है। तो ओवरऑल मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन एक एवरेज मूवी है जो वो वाला मैजिक क्रिएट नहीं कर पाया जो इसके फर्स्ट मूवी ने किया था। ऑल्दो आप इसे एंजॉय और एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो बिकॉज रोज़ रोज़ डायनासोर्स की मूवी देखने को नहीं मिलती है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि मूवी देखी या नहीं देखी, अगर देखी तो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी YouTube के ऐप पर। तब तक के लिए सिया, टाटा, बाय बाय।